कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने को लेकर कोई भी विचार नहीं कर रही है, क्योंकि यह बात विधान परिषद में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विकास मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है, यानी कि खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने यह बात कही है कि सरकार अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने को लेकर कोई भी विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक साल पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। इस बाबत में सदस्य भीमराव अंबेडकर ने सवाल पूछा था, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, तो इसके जवाब में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विकास मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने को लेकर विचार नहीं कर रही। साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का अभी सरकार का कोई भी विचार नहीं है। इस संबंध में एक और आर्टिकल प्रकाशित किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं बढ़ेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज पेपर में उत्तर प्रदेश लखनऊ में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि सरकार आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाएगी। यह जवाब बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर के सवाल के जवाब में दिया। मंत्री ने जवाब दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपए और सहायिकाओं को 3750 रुपए मानदेय दिया जाता है। सरकार ने पिछले साल ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया है, इस साल मानदेय बढ़ाने की कोई भी योजना नहीं है। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने पिछले साल ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया था और इस साल सरकार का कोई भी विचार ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाएगा। क्या इससे पहले भी किसी सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ेगा? जी हाँ, इससे पहले बिहार में कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। जब बीजेपी के एक नेता जी ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कब बढ़ाएगी, तो मंत्री मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा था कि अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने को लेकर सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। बिहार में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन कहने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई और कहा गया कि उनके मानदेय को 10000 रुपए से बढ़ाकर 13000 रुपए कर दिया जाएगा और जुलाई महीने से ही वो मानदेय लागू हो जाएगा और कई आंगनबाड़ी बहनों के खातों में ये 13000 रुपए कल या परसों के दिन आ भी चुके हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जरूर कहा गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ा दिया गया। बिहार में नहीं बढ़ाया गया है, उत्तर प्रदेश में भी साफ कर दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार कहीं कहीं दावा करती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। तो अभी सरकार को ये बात स्पष्ट नहीं है कि कितना मानदेय उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, 8000 दिया जाता है, 7500 दिया जाता है या फिर 7000 दिया जाता है, ये बात सरकार को भी स्पष्ट नहीं है। और रहा सवाल कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आगे भी मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो जवाब है बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा, इस साल नहीं बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ गया? मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के समय सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी चुनाव नहीं है, इस वजह से अभी फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर सरकार विचार नहीं कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव है तो चुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बेलों का काम भी लिया जाता है, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सरकार को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुश करना जरूरी है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि उनको पिछला मानदेय नहीं मिला है, अभी तक उनको कई महीनों से मानदेय नहीं दिया गया है, तो इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केवल घोषणा ही काफी नहीं है, उनके लिए जब तक जमीनी हकीकत में उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बिहार सरकार से भी एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने पर विचार जरूर करें, अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी आपके ऊपर सवाल खड़ा करेंगी, उसके बाद आपके सरकार बनाने पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं विचार नहीं करेंगी, इसलिए आपको अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुश करना जरूरी है। मध्य प्रदेश में एक घोषणा बहुत अच्छी की गई है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय मध्य प्रदेश में हर साल बढ़ाया जाएगा।
1000 रुपए सेविकाओं का और 500 रुपए सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर साल बढ़ाया जाएगा, यह भी घोषणा।